जाता है कि ये फिफ्थ जेनरेशन वॉर का वक्त है। मुझे ये नहीं पता, ये मुझे लगता है कि फेक न्यूज का दौर है। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारी जो वीडियोस आ रही हैं, हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, उस पर कभी मैं देखता हूँ। ये रीसेंट जो आया है जनाब के खुदा न खास्ता इटली वाले जो हैं वो अपने पैसे फेंक रहे सड़कों के ऊपर, जो वेनेजुएला की पुरानी कोई तस्वीर है उसको जोड़ के, ऐसे ही मुझे दुख हुआ है कि बार बार इस इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर वो प्रेजिडेंट पुतिन की एक जो उसके नेशनल डे की तकरीर है जिसमें अपनी फौज और सारा वो उसमें, और उसकी ट्रांसलेशन गलत करके, मैंने अपने जो रशियन दोस्त हैं उनसे कंफर्म किया है, उसकी कंप्लीट जो है वो उन्होंने गलत ट्रांसलेट करके ये बताया है कि ये वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस कर रहे हैं और कोरोना वायरस को ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है इसको ख़त्म करने का कोई यानी एक इरादा है टोटल। हालांकि उसकी तकरीर ऐसी नहीं थी। ऐसे ही जिस तरह एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जो इसराइल के मिनिस्टर डिफेंस वो जनाब हमें कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं, मुझे यानी कोई उसकी लॉजिक नहीं नज़र आ रही कि आप इसराइली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की आप जो है वो वीडियो भेज रहे हैं। ऐसे ही मोदी साहब की एक तकरीर है जो उन्होंने किसी मुसलमानों के किसी इवेंट के ऊपर इस्लाम के ऊपर की, और उसको जनाब ये कहा जा रहा है कि देखो वो भी हालांकि वो फैशिस्ट है, वो इस्लाम को हेट करता है, मुसलमानों को हेट करता है, उनको उनका नाम लेना बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वो मेरे ख्याल में 9/11 या कोई एक मल्टी फेथ जो है इवेंट था उसको जनाब फैंटेसाइजर्स ये कह रहे हैं कि देखें ये उनकी असेंबली में कुरान की तलावत हो रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हवाले से एक वीडियो जो है वो किसी ने लगाई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये तलावत हो रही है। भाई वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी, वो डाइनिंग रूम के अंदर जो इवेंट होता है ईद का वहां पे तलावत थी। तो हर चीज के यानी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक खूबसूरत अजान है, डब हुई हुई है, एक खूबसूरत अजान है, और वो जनाब उन्होंने लिखा पाकिस्तान से या कहीं से कि ये 500 साल के बाद जनाब अजान स्पेन में ये खूबसूरत आवाज से ये हो रही है। हालांकि वो जो तस्वीर है वो स्पेन की नहीं है, वो अजरबैजान के एक नॉर्दर्न सिटी की है जहां मस्जिद और शहर की वो है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि ये फेक न्यूज सबसे इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ जो मैं मसलसल सारा दिन आजकल बैठ के इन ग्रुप्स पे लोगों को करेक्ट कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस किस्म की जो है फेक न्यूज़ ना चढ़ाएं। एक आज की मिसाल है, मुझे किसी ने एक हिंदू साहब हैं उन्होंने कुरान जो है उसके बारे में कहना शुरू किया कि कुरान जो है इसको हमने पढ़ा है, हम तो समझते थे कि ये रूल बुक है मुसलमानों के लिए, लेकिन हमने देखा ये तो इंसानियत के बारे में भी बताता है, और यहाँ पे कुरान में ऐसे ऐसे वो वर्सेस हैं जो इंसानियत के लिए जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप सारे कुरान पढ़ें और कुरान जो है वो हमारे ऑफिस से लें और हम हर जो जबान है उसमें ट्रांसलेशन करके आपको भेजें। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों बहनों, अगर आप उन ऐसे लोगों से जिनका मजहब के साथ कोई तल्लक नहीं है उनकी ट्रांसलेशन उनसे लेंगे और उन जबानों में लेंगे, मुझे नहीं पता कि उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। हमें तो आपस में भी वो इख्तलाफ होता है कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे ही है, और जब वो नॉन मुस्लिम उसकी ट्रांसलेशन करके वो आपको मुफ्त में दे रहा है तो उसमें वो कैसी ट्रांसलेशन आपको देंगे मुफ्त में। तो इस किस्म की चीजें जो हैं इस पे हमें सोचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे उलमाए इकराम और हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो अभी तक बेरियल के डिबेट में वो फंसे हुए हैं।
कि वो जनाब कफन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बॉडी किस तरह होनी चाहिए, वो कानून बन चुका है, वो एक दिन में बन गया था, उसमें जो बहुत शोर मचा हुआ था वो भी नहीं हुआ। लेकिन जो एक्चुअल रियल टाइम जो फेक न्यूज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से मैं खत्म करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठे की निशानी ये है कि वो किसी चीज को कंफर्म किए बगैर वो आगे उसको अगर भेज दे, बता दे, तो इसका मतलब है कि वो बंदा सच्चा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज हम बहुत सारे ऐसे, हम ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में हैं, बहुत सारे लोग उनका कोई तल्लक ही नहीं है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में छे छे बार वही वीडियो लोग भेज रहे हैं और वो कोई दूसरे देख भी नहीं रहे, लेकिन वो उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके नाम से वो वीडियो जो है वो वायरल हो ताकि उनका नाम बड़ा हो जाए। खुदा के वास्ते जरा सोचो और अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों को बचाओ। इस किस्म के फेक न्यूज़ से बहुत सारा नुकसान होगा हमारी कम्युनिटी के लिए।